दोस्तों अगर मैं बात करूं धर्म यानी भगवान के कंटेंट्स पे, यानी कि भगवान के नाम पे बनने वाली मूवीज का, तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा अक्षय कुमार और आमिर खान का, क्योंकि इन्होंने इस कंटेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। पीके और ओएमजी का नाम तो बहुत ही एक्सटेंड लेवल पे चढ़ा ही था, ये सब आपको पता ही है। पीके जो कि 80 करोड़ रुपए बनने वाली मूवी 832 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड अर्न कर चुकी है, और हाल ही की जो कि ओएमजी का इतना ज्यादा बजट नहीं था, यानी कि 20 करोड़ रुपए बनने वाली मूवी ने 121 करोड़ रुपए कमाया अपने टाइम में, वो भी बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर था उस टाइम का। क्योंकि ये मूवीज एक नेक्स्ट लेवल पे जाना बनती है, क्योंकि ये मूवीज हमें बताती है कि फैमिली के साथ बैठने पे मजबूर करती है देखने के लिए। तो आज मैं ऐसी हाल ही फिलहाल मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आजकल जनता में बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सबसे पहले चैनल करो, और हम इसी डिस्कशन में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी के बारे में जिसका बजट ही 500 करोड़ से ऊपर है। यार बजट 500 करोड़ से ऊपर है तो मूवी कैसी होगी? तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले उसका लोगों को इतना इंतजार है जितना सैलरी आने का इंतजार नहीं होता, इतना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का इंतजार नहीं होता, लेकिन लोगों को इस मूवी का इतना इंतजार है क्योंकि बाहुबली के बाद आने वाली एक मैक्सिमम यानी हाईएस्ट बजट वाली मूवी 500 करोड़ से भी ऊपर क्रॉस करने वाली। यार 100 200 300 तो कुछ भी नहीं समझ रखा इन्होंने, इतने बजट में तो नेपाल की 15 पिक्चर बन जाती है, लेकिन इन्होंने इसमें मूवी एक बनाई है, यानी कि कुछ तो होगा। आपने इस मूवी का नाम बेशक सुना ही होगा, आदि पुरुष, जिसके बारे में हर कोई एक्साइटेड हो बैठा कि इसकी स्टोरी और इसका ट्रेलर कैसा होगा। अक्टूबर में देखे जाने वाला इसका ट्रेलर जो कि दशहरा पे प्रमोशन हो रहा है, उसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कैसे क्या क्या चीजें इसमें निकल के शो होती है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कार्टून्स में, टीवीज में, और माँ बाप के मुंह से भी सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से इस कहानी की हम गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं। और हालांकि इस मूवी को 3 घंटे में बनाना बहुत बड़ा टास्क है। फॉर मी आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी बिकॉज रामायण एक ऐसी स्टोरी है जिसको एक नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि हर जगह पे अपनी अपने एक राज छुपे हुए हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि किस जगह पे क्या क्या चीजें हुई थी ये सिर्फ इंडिया में ही सबको पता है, और हालांकि हर किसी का अपना अपना नजरिया है कि किस तरह को वो प्रेजेंटेशन करते हैं। आपने कार्टून्स में देखा होगा कि रामायण को किस तरह से प्रेजेंटेट करा हुआ है, हनुमान जी को, राम जी को, लेकिन इस काम के लिए एक हाईली विजुअलाइज करा जाएगा, विजुअल ग्राफिक्स और नेक्स्ट लेवल के वर्किंग हुआ। हालांकि जो इसमें काम करा गया है वो भी बहुत सारी कंपनीज को इंक्लूड करके करा गया है। चलो अब बात करते हैं हम मूवी के लीडिंग एक्टर्स के बारे में, जो जो एक्ट और जो जो अभी डिसाइडेड, मेरे को अभी तक डिटेल पता लगी कि कौन कौन क्या क्या एक्ट कर रहा है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कैरेक्टर सामने निकल के आ रहे हैं। सबसे मेन और लीडिंग रोल यानी कि राम के रोल में हमें दिखेंगे प्रभास भाई जो सबसे महंगे एक्टर, तो हाल ही फिलहाल में बाहुबली के एक्ट के बाद इनको एक रॉयल्टी पिक्चर मिली है, आदि पुरुष। उसके बाद लक्ष्मण के रोल में अपने सनी भाई मिलेंगे, और जानकी के रोल में कीर्ति मिलेगी, और मेन सेकंड रोल जो रावण का रहेगा उसमें अपने सैफ अली खान, यानी कि ये जो विक्रम वेदा वाले सैफ अली खान है वो मिलेंगे हमें। देखते हैं अभी तक ये जो लीडिंग रोल्स थे, उसके बाद एक जो मेरा फेवरेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है अपने बॉस यार हनुमान जी, जिनका रोल के लिए सन्नी दत्ता भाई को लिया गया है। आई डोंट नो आप उनको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बट अगर वीएफएक्सिंग और विजुअलिटी को एक कॉम्बिनेशन में बेस्ट दिया ना, तो यार वो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि देखा जाएगा कि किस तरह का काम करा गया उनके ऊपर। तो ये इंडिया की सबसे महंगी पिक्चर कहला रही है अभी तक यार। मेरे हिसाब से महंगी पिक्चर में सबसे पहले इनका जो एक्ट्रेस का बजट है वो ही अलग है, 150 करोड़ तो भाई प्रभास ने ले लिया, बच्चा कुटा जो 100 करोड़ एक और लगा लो वो सारे एक्ट्रेस ले गए, फिर उसके बाद बाकी का जो पैसा बचा वो सारा मूवीज पे लगा। तो मूवीज पे तो फिर भी कम पैसा लगा यार, जो एक्ट्रेस लोग जो पैसा ज्यादा लगे वो ज्यादा। बाकी मूवी का ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा 3 अक्टूबर तक, और आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस थिंग कि प्रभास राम के रूप में कैसे लगता है यार, क्योंकि जो एक बजट के हिसाब से बोला गया ना उस हिसाब से इसका वर्किंग ऑफ स्किल किस तरह का रहेगा उसके लिए सभी एक्साइटेड है। और हालांकि मूवी लवर्स के लिए तो बहुत बड़ा टास्क रह जाएगा कि क्या 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 चीज़ें, और हेटर्स तो भाई ऑलमोस्ट बोरा भाई इस तरह लेकर रेडी बैठे हुए हैं। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।